गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि आप सभी को पता है कि समर सीजन आ गया है और हमारी स्किन की जो केयर करना है वो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि समर पिम्पल्स एक्नेस सनबर्न सन टैन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी स्किन के लिए जिससे की स्किन का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है तो गाइज आपने अपनी स्किन केयर तो करनी ही करनी है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि आपको मिलेगी एक हेल्दी लुकिंग स्किन ग्लोइंग स्किन अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी स्किन कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती है देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आप समर सीजन में मेकअप करें ना करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन गाइज समर सीजन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी स्किन को हेल्दी रखती है प्रोटेक्ट करती है दैट इज सनस्क्रीन यस गाइज आपने समर सीजन में सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपकी एज 15 ईयर से अगर ऊपर है तो आप बिल्कुल सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं मैन वुमेन कोई भी इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकता है और गाइस सनस्क्रीन का ऐसा नहीं है कि आ, कोई भी आप ब्रांड की सनस्क्रीन ले लें जो सनस्क्रीन है अप्लाई किया तो आपको हो जाएगा कि मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है लेकिन ऐसा नहीं है गाइस आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है तो किसी अच्छे ब्रांड से करनी है अच्छे एस वाली सनस्क्रीन अप्लाई करनी है अदरवाइज आप मत कीजिए क्योंकि एरी गेरी सनस्क्रीन अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मामा अर्थ हाइड्रोजेल इंडियन सनस्क्रीन और मामा अर्थ ब्रांड को कौन नहीं जानता है गाइज बहुत ही अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मामा अर्थ ब्रांड के सारे के सारे प्रोडक्ट्स और आज मैं इस सनस्क्रीन का रिव्यू आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करने जा रही हूं किस्ड सनस्क्रीन है, है और समर सीजन में आपको क्रीम बेस्ड ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेटिंग आएगी जिससे कि सनस्क्रीन निकल जाएगी और जो सनस्क्रीन का काम है हमारी स्किन के लिए वो नहीं कर पाएगी तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि समर सीजन में आप जेल

को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है सूदिंग बनाता है और मॉइस्चराइज करता है और एसवेरी में है एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टी और विटामिन सी जो कि आपके स्किन से फाइन लाइन्स को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं गाइस मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलकन फ्री पैराम फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री होते हैं और मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडियन ब्रांड है तो चलिए देख लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग तो गाइस कुछ इस तरीके की ट्यूब साइज में आपको पैकेजिंग मिल जाएगी और इसका जो लिड है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है मतलब कि ये जो पैकेजिंग है वो ट्रैवल फ्रेंडली है इजीली आप इसको अपने बैग में कैरी करके कहीं भी जा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है तो गाइस कुछ इस तरीके की जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन मिल जाएगी देखने में आपको ये क्रीमी कंसिस्टेंसी लग सकती है लेकिन ये एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है तो अभी मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस के ऊपर और मैंने अपनी स्किन के ऊपर सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हुआ है और सनस्क्रीन को जब आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपने इसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है जस्ट बहुत ही स्लोली आपने मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन के पर एक लेयर बन जाए सनस्क्रीन की और आपने अपनी नेक को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये स्पेशली के लिए बनी है और ये है लाइटवेट और नॉन ग्रेसिंग और, और, के और केमिकल फ्री होते हैं क्रुएल्टी फ्री होते हैं और ये सनस्क्रीन डर टेस्टेड है आपको प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल यूवी रे से जैसे की यूवी एंड यूवी बी और आपको हेल्प करती है प्री मेच्योर एजिंग से

तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर आई होप मैंने सनस्क्रीन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी और ये सनस्क्रीन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है मस्ट बाय प्रोडक्ट है और वर्थ बाइंग है और सनस्क्रीन के जो इफेक्ट है ना वो एकदम से आपको नजर नहीं आते हैं कि आपने सनस्क्रीन अप्लाई करी तो आपकी स्किन जो है वो एकदम हेल्दी होगी ऐसा नहीं है सनस्क्रीन को आपने लॉन्ग टाइम तक अप्लाई करना है अपनी डेली स्किन केयर का पार्ट बना आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद हो रही होगी आप लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो अच्छी so, वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो गाय चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए